नमस्ते दोस्तों, संतुलन किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आशा है कि आपने श्रीखंड की, जो आयुर्वेदिक तरीके से बनाया जाता है, उसकी रेसिपी ज़रूर देखी होगी। तो अभी हम लोग आज देखने वाले हैं कड़वे नीम की चटनी। कड़वा है पर बढ़िया है, तो आखिर इस चटनी को क्यों खाया जाता होगा भला? देखो, अभी विश्व के शुरुआत के पावन अवसर पर जी, गुड़ी पड़वा के दिन वो आयुर्वेदिक श्रीखंड खास व्यंजन खाया जाता है जी। तो उसको संतुलित करने के लिए नीम की चटनी खाने की हमारे यहाँ सनातन परंपरा है। सही बात। और वो चटनी में जीरा, गुड़ वगैरह व्यंजन डाल के पीसी जाती, तो हर रोज भी थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं पूरे साल तक जी, जी। लेकिन नए साल के नई शुरुआत के दिन तो खाना ही चाहिए। नीम की चटनी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमें लगेंगे फ्रेश कोपल जो होती है, नीम के पत्ते जो थोड़े से लाल से होते हैं, वो लगेंगे हमें नियरली 2 हैंडफुल्स। इसको भी धो लेना है। उसी के साथ हमें लगेगा 1 बाउल भर के धनिया, हरा धनिया। जो कड़ी पत्ता होता है वो भी हमें फ्रेश चाहिए। नींबू के आकार जितना हम जो इमली है वो लेंगे, उसे कुनकुने पानी में भिगोकर उसका इस प्रकार से गाढ़ा रस निकाल लेंगे। उसी के साथ लगेगा हमें 2 चम्मच नींबू का रस, छोटा 1 चम्मच काली मिरी का पाउडर, 2 चम्मच अजवाइन जो अच्छे से भुनी हुई है, स्वाद के अनुसार हमें नमक लगेगा। उसी के साथ लगेगा हमें हींग का पाउडर, स्वाद के अनुसार गुड़ जितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है नियरली 2 चम्मच है, और 3 से 4 चम्मच जो हमें जीरा पाउडर लगेगी। ये जो बाकी के सब मसाले हैं, ये सब हम लोग इसमें अभी मिक्स कर लेंगे। नमक हम लोग ले रहे हैं, नॉर्मल नमक नहीं ले रहे हैं, तो ये आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अभी देखिए, ये आपको दिख बहुत बड़ा रहा है पर पत्ते हैं, पीसने के बाद एकदम चटनी थोड़ी हो जाएगी। ये जो चटनी है अभी थोड़ी सी पिस गई है, ये देखिए थोड़ा सा इसका चूरा हो गया है पत्तों का। तो अभी हम इसमें हमारे दोनों जो चीज़ें हैं वो डाल देंगे, नींबू का रस और इमली का फल। अभी देखिए चटनी तैयार है, अभी हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। तो भी नीम का कड़वापन तो समझ में आ रहा है, पर साथ ही में बाकी भी जो सब स्पाइसेस हैं उनका भी एरोमा जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। अभी चूंकि हम इसे चटनी कह रहे हैं, तो चटनी खाए कितने प्रमाण में जाती है, तो थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे नॉर्मल आप खोपरे की चटनी खाते हैं, उसी प्रकार से इस भी चटनी को खाना है। आप चाहें तो लंच के समय थाली में इसको रख के खाना शुरू करने के पहले ये चटनी खा सकते हैं। डायरेक्टली ज़बान पे रख लीजिए और पानी के साथ निगल लीजिए अगर आपको कड़वा स्वाद पसंद नहीं है तो, और अगर कड़वा स्वाद पसंद है तो नॉर्मल खाने के साथ भी थोड़ी थोड़ी करके आप इस चटनी को खा सकते हैं। जो मधुमेह व्यक्ति हैं उनके लिए तो ये चटनी अच्छी होती है। तो इस प्रकार से पूरा प्रॉपरली बैलेंस्ड, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली पत्ते खा लेते हैं और फिर उसके कारण उनको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी वगैरह जैसे तकलीफ होते हुए दिखती है, तो वो अगर तकलीफ से बचना हो तो इस प्रकार से ये जो पूरी बैलेंस्ड चटनी है वही बना के खाना जो होगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गुड़ी पड़वा के अवसर पर हमने आपको 2 रेसिपीज दिखाई है, एक तो है आयुर्वेदिक श्रीखंड और एक है नीम के पत्ते की चटनी। तो दोनों ही चीज़ें गुड़ी पड़वा के दिन भी बनाइए और बाद में भी बनाइए, ताकि आपका स्वास्थ्य जो है वो साल भर के लिए अच्छा रह सके। तो जुड़े रहिए अपनी सेहत के लिए अपने इस चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।